हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस रिव्यू लेके। कल बिग बॉस जो स्टार्ट हुआ, सलमान भाई की एंट्री हुई। एंट्री करते ही सलमान भाई ने कहा भाई ठीक है चलते हैं वीडियो के थ्रू घर के अंदर चले गए। घर पे जाते ही सलमान भाई ने राखी साहब से पूछा, राखी साहब भाई जितने भी सदस्य हैं ये आपको क्या लगता है अभी कौन कैसे कैसे खेल रहे हैं और क्या क्या गेम खेल रहा है। राखी साहब ने सबको एक एक करके बताना शुरू कर दिया कि ये ऐसे वैसे वैसे ये जहाँ तक जाएगा। मन्नू पंजाबी सही चल रहा है, अली गोनी भी बढ़िया खेल रहा है, इजाज खान भी कहती थोड़ा सा सुस्ता हो गया है, रुबीना तो अच्छा खेल रही है, अभिनव उसके पीछे जो पल्लू बोले थे चलता जा रहा है। तो ये जो हर एक टॉपिक के ऊपर एक उसने एक के बारे में बताया और यहाँ पर डिस्कशन खत्म हुई। उसके बाद सलमान भाई ने कहा भाई अब की कौन सा टास्क कराया जाएगा। वो कहती कौन सा निकी कौन सा, कह रही वो गलत फहमी के बारे में। हाँ गलत फहमी के बारे में, अब बोल सबके गुब्बारे लगा दिए, उस सबको एक एक करके बुलाएंगे सलमान भाई ने, इसमें भी गुब्बारे फोड़ने हैं। तो यहाँ पे अली गोनी और इजाज़ खान की अच्छी खासी बहस देखने को यहाँ पर मिल गई। अली गोनी इजाज़ खान ने उसको फोड़ा तो अली गोनी ने बोला भी तू भी सारे काम कर रहा है जो सब नहीं करते थे, पीठ पीछे बुराई तू भी करता और तूने रज के बुराई करी है और लड़कियों की बेइज्जती तूने भी करी है, तूने जैस्मिन में जो थूका ऐसे ही करा ये करा कि वो यही कर रहा है कर रहा है। गेम है ना, गेम अपना चेंज करो ना, अपनी तो फितरत को चेंज कर रहा है। कभी तू कहता है भी टच करने से मुझे प्रॉब्लम है, कभी टच करने से प्रॉब्लम नहीं होती, तो मुझे इसमें भी दिक्कत है। अली गोनी तो इन दोनों में काफ़ी किसी बहस देखने को मिली, कह रहा है भाई जो अपना अर्शी खान तारी तू जफ्फी डालने के मिल रहा तब तुझे टब में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में अपनी मतलब होता है तो टच में प्रॉब्लम हो जाती है और वो तो मुद्दा बनाया था और नहीं तो टच में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो यहाँ ये टास्क को भी कंप्लीट किया गया। उसके बाद बारी थी कॉलर ऑफ द वीक। कॉलर ऑफ द वीक ने भी कॉल बात करी इजाज़ खान से। उसने इजाज़ खान को साफ बोला कि भैया इजाज़ खान जब तुमने और मन्नू पंजाबी ने डिसाइड कर लिया था टास्क के अंदर कि उसका नाम क्या है कि इस टीम को जिताना है या मन्नू पंजाबी को कैप्टन बनाना है, तो भाई और तुमने आपस में करने करना था ये फाइनल हो चुका था। फिर तुम रुबीना को क्यों बोली जाते बार बार, रुबीना तुम कोशिश नहीं कर रहे, रुबीना तुम कोशिश नहीं कर रहे। जब एक चीज़ हो गई है और रुबीना ने सही जवाब दे रही थी कि भाई जब मैंने तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि मन्नू पंजाबी बनेंगे तो मैं कोशिश क्यों करूँ झूठी कोशिश। तो यहाँ पे इजाज़ खान को फिर भी कॉलर ऑफ द वीक ने अच्छी खासी खरी खासी बता दी कि भाई तुम अपना गेम भी पढ़ रहे हो। और कहता दूसरा उसने ये भी बोल दिया कि पहले तुम अपना गेम बहुत बढ़िया ढंग से खेल रहे थे और जैसे ही अपने नए खिलाड़ी आए हैं चैलेंजेस आए तुमने आपको अपने आप को उसकी गोद में उठा दिया, मीन सरेंडर कर दिया भाई, तुम उनके कहने लगे और बाकी को बोल चुके हो। फिर सलमान भाई ने बताया भाई पिछले वीक दो सदस्य घर से बाहर चले गए अपनी मर्जी से, एक कविता कौशिक जिसे आपने कल मिल लिया, एक राहुल वैद्य। राहुल वैद्य जो अपनी घर की याद आ गई थी वो अपने आप ही चले गया था, तो उसको लग रहा था कि मैं दो जो बड़ी वो टीवी स्टार्स हैं उसके मेरी वोटिंग कम मिलेगी मेरे को, बट उसको वोटिंग ज़्यादा मिली थी। पर अब मिलते हैं राहुल वैद्य से क्योंकि वो दोबारा घर के अंदर आना चाहते हैं। राहुल वैद्य स्टेज पे आ गया बिकॉज तो सलमान ने बोला भी ठीक है तुम आ जाते हो, ये क्या मतलब था कि तुम घर शो छोड़ के भाग गए, कहना सर ऐसे मतलब के भाग गया, कहता और क्या गया अभी तू तो शो छोड़ के भागा था कि मुझे तो याद करता नहीं मुझे मिस करता, कहता मिस सारे करते हैं, कह रहा भी मुझे ये बता तू जब बाहर स्टेज पे फॉरेन कंट्री में प्रोग्राम करने जाता था कंसर्ट करने जाता था तब भी तो अपनी वहाँ से दूर जाता था ना, कह रहा सर फोन तो तरह फोन से बात कर लेता था। चलो उसे कैटेगरी में खड़ा कर दिया, जमाने ने क्वेश्चन वेश्चन पूछे उससे भाई सारे, उसके ठीक है भाई अब ऐसा ही फैसला तो ये घर वालों से पूछना पड़ेगा कि भाई घर वाले तेरे को अंदर वापस लाना चाहना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, तभी भी फैसला हो पाएगा, नहीं तो उनसे अनफेयर होगा। बस फिर मीटिंग की तरफ फिर घर से अंदर चले गए हमारे सारे ऐसे, राहुल वैद्य घर के अंदर आना चाहता है तो तुम्हारी क्या राय। तो सदस्य टोटल सारे सदस्यों ने बोला भाई हाँ भाई सर आने दो, इसको मौका मिलना चाहिए, अच्छा कंडीशन है ये वो है, सिर्फ एक जो अपना कश्मीरा शादी उसने मना करा कि नहीं आना चाहिए। तो 11 वोट मिले आपका राहुल वैद्य को। फिर सलमान भाई तो घर वाले तो चाहते हैं तो घर के अंदर जाए पर आखिरी फैसला बिग बॉस का है, तो भाई देखते हैं तो बिग बॉस क्या फैसला लेते हैं और तब बताएंगे हम आपको और हम पब्लिक को भी तभी बताएंगे राहुल वैद्य अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे राहुल वैद्य ने कन्फर्म है घर के अंदर जाना। अब उसके बाद एक और टास्क कराया गया, उसमें था कि दो बम थे तो दो बम में से सलमान भाई मैं बताऊंगा अभी बम किसे लगाए जाएंगे, एक बम लगाएगा विकास गुप्ता को एक अर्शी खान को। अब सब घर वालों को बार बार बताया भी कौन चाहता है इस घर में इस टाइम बम फूट से फूट जाए, तो सब एक एक करके आते गए रीजन देते गए और अपना बम की ऊपर तार थी तार को फोड़ते गए। अब यहाँ पे जब एंड में देखा कि सारे सारे बजे आए तो सारे जो टोट घर गए 5-10 चाहते थे कि बम से फोड़ दिया जाए और 5 चाहते थे अर्शी को और 5 चाहते थे विकास गुप्ता को। समझ में ठीक है भाई दोनों को फोड़ना चाहते हैं अब दोनों आगे बैठ जाओ, ये छोटा सा टास्क यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद टास्क नंबर अगला आया वही जो शॉवर टास्क होता था कि उसके ऊपर डाला जाता था, तो यहाँ पे जो भेजा गया सबसे पहले रुबीना को भेजा गया, सबसे क्वेश्चन पूछते कर रहे थे यहाँ पे उसको बताते हैं यस नो शॉवर गिरता है, फिर उसके बाद राखी सावंत, फिर क्या राहुल माझा।
रूबीना में जैनवन सबने आंसर दिए, बट राखी सावंत और राहुल बाजर में सब अपना मजाक कर रहे, सब बारी बारी हाहा कर दिया थे। तो तरह तरह के रंग और पाउडर वाउडर उसके ऊपर गिरते रहे और भूत बना के बिग बॉस के घर से बाहर आए वो। अब सलमान रजा भी नॉमिनेशन के अंदर, सारे सदस्य हैं ये सदस्य नॉमिनेशन के अंदर है। तो भाई इस बार जो घर से बाहर जाता है, जैसे भाई जिसका हस्बैंड छोड़ने आया था तो वो अपना मिस कर रहा था कि चलो मेरी बीवी बाद में आएगी, बट वो जरा क्या कहेगा, चलो ठीक है कश्मीर है तुम्हारा टाइम समाप्त हो गया, तुम आ जाओ घर से बाहर, कश्मीर हो जारी सबसे मेरी थी, कहता है तो चलो रहने दो कश्मीर, अब तुम्हारी बारी नहीं है अभिनव, तुम्हें तुम्हारा कन्फर्म है, अब आ जाओ घर से बाहर। सलमान भाई से मीटिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं, अंदर सारे सबसे ज़्यादा जसमिन होती है, जसमिन कहती है मैं तो तुम अली के बाद मेरी को सपोर्ट करता था, मेरे को समझता था वो तुम थे ये थे वो थे। यहाँ पर रवीना भी बहुत इमोशनल हो जाती है, सलमान कहता है वोटिंग तो बंद ही है, वो दोबारा चलते हैं मीटिंग के अंदर, दोबारा मीटिंग चलते कहते हैं अभिनव तुम भी नहीं गए, तुम भी नहीं गए, फिर सलमान भाई बता देते हैं वोटिंग नहीं बंद है तो तुम सारे सेफ हो और ये है वो है। तो फिर ये सब वहाँ पे भी एक जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा माहौल जो इमोशनल होता है वो दोबारा खुशनुमा हो जाता है। ये सारा कुछ बता के सलमान भाई मीटिंग थ्रू घर से बाहर आ जाते हैं, घर वालों को यही पता था ठीक है वो सलमान भाई चले गए, अभी उन्हें बोल देता है ओके गुड बाय अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तुमसे। यहाँ पे विकास गुप्ता और शिखा की फिर थोड़ी बहुत बहस देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम विकास गुप्ता को यह है कि भाई मेरे को जैसे इतना कुछ हो गया था अर्शी खान और विकास और विकास और बिग बॉस ने उसको अपना कन्वेंशन में बुला लिया था और वार्निंग भी थी वार्निंग, पर यहाँ पे सलमान भाई ने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं छेड़ी, तो उसको लगा कि छेड़ना चाहिए था भाई रशिया मुझे इतना तंग कर रही है कुछ उसको बोलना चाहिए था, तो कोई सलमान भाई ने कुछ बोला नहीं, तो बस वो उसके बाद अपना जैसे होता है वो इंग्लिश में बातें करना शुरू कर देता है। बिग बॉस कहता है इंग्लिश में बातें मत करो, वो फिर भी छोड़ता नहीं है, कहता मैं तो इंग्लिश में ही बातें करूँ और इंग्लिश में ही बातें करता रहता है पूरे टाइम पे। अर्शी खान जिससे मिलता है जसमीन से सबसे कोई सब उसको बोलते हैं जसमीन वाले टास्क के अंदर जो बम वाला टास्क होता है। यहाँ पे मनु मंजावी बोलता भाई तू ऐसे मत कर, ये बिग बॉस भी मना कर रहे, कह रहा है नहीं मैं तो ये इंग्लिश में बात करूँगा। तो यहाँ पे जिस कहते हैं इंग्लिश बातें करता रहता है वो हटता नहीं है, बिग बॉस भी एक दो दो तीन तीन बार बोल देता है, मनु मंजावी भाई मैं बार बार बोलेगा भाई सुन नहीं था मेरी बात को। तो यहाँ पे सलमान भाई फिर दिखाते हैं कि आगे सलमान भाई कहते हैं ठीक है ये तो अपना ऐसे करते रहेंगे, बट ये मत सोचो कि इस बार घर से भी बाहर नहीं गया, इंटरनेट में नहीं रहेगा और यहाँ पे कल बिग बॉस खत्म हो गया। तो दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड रहेगा अर्शी खान फिर अपना विकास बढ़ जाएगी, अर्शी खान बहुत जिसे कहते हैं कि हद से ज़्यादा बदतमीजी शुरू हो जाएगी, भी जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा, तेरी माँ के सारे जानती हूँ मैं ये हूँ वो बोलता रहता अर्शी खान बस कर बहुत ज़्यादा हो गया अर्शी खान, उसे धक्का धक्के मार देता है। यहाँ पे मनु पंजाबी बोलता रहता है और सारे घर में बोलते हैं अर्शी खान तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बात जा रही है, पर अर्शी खान मतलब जिसे कहते हैं कि लिमिट पार कर जाती है वो है। यहाँ पे अर्शी खान और इसकी जो विकास होता है कि फिजिकल धक्के मुक्का भी बहुत तगड़ी हो जाती है, जब वो बोल देती है भी तेरी माँ के बारे में भी जानती हूँ तेरी माँ ऐसी थी ये थी वो थी जो थोड़ा बहुत ही बोलती है, बस विकास गुप्ता जोर से धक्का मारता है उसे, वो अपना उसमें स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तो दोस्तों ये अच्छी खासी जगह है फिजिकल फाइट विकास गुप्ता की और अर्शी खान की आज देखने को मिलेगी, और सुनने में ये भी आया कि इसके चक्कर में जो विकास गुप्ता को विकास जो है बिग बॉस घर से बाहर निकाल देंगे मतलब निष्कासित कर देंगे फिजिकल फाइट के कारण। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक सत श्रीकाल कोविड वॉल दोस्तों, अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।